नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से लीला मैम, कक्षा 7, पाठ 13, भक्ति सुधा। जो हमने 4 दोहे पढ़े हैं, अब आगे पढ़ेंगे। कथनी कोरे ना काम की, करनी रंचुसार, उड़े न दारू डारिये, लखी लखमनंगा। इसमें कवि कहते हैं कि केवल बड़ी बड़ी बातें करना कोई महत्व नहीं रखता है, महत्व तो कर्म का होता है, यानी जो काम करते हैं उसका। कार्य थोड़ा सा भी हो तो उसका महत्व होता है। लाखों मन आग देखकर उसमें अधिक लकड़ी डालना उचित नहीं होता है। कब को हरी हरी रटत हो, कटत न क्यों संताप, हरण बरद विसर्यो दो, डर पे लखी मोह पाप। मैं कभी कहते हैं मैं बहुत देर से ईश्वर नाम का जप कर रहा हूँ, फिर भी मेरा दुख नहीं कट रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे पाप देखकर शायद श्री कृष्ण भगवान में दिन दुखियों का दुख दूर करना ही भूल गए हैं। भलो 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 भले को सब दिखे, बुरे बुरे को हो दुष्ट, युधिष्ठिर ना मिलो साधु सुयोधन कोय। इसमें कवि कहते हैं कि सज्जन स्वभाव वाले व्यक्ति को सभी लोग सज्जन ही दिखाई देते हैं। युधिष्ठिर की मुलाकात कभी किसी दुष्ट व्यक्ति से नहीं हुई, अर्थात दुर्योधन यानी सुयोधन से कभी कोई सज्जन व्यक्ति नहीं मिला। कहने का मतलब यह है कि जो सज्जन व्यक्ति है उनको सारे सज्जन ही दिखाई देते हैं, और जो दुर्जन है यानी बुरे व्यक्ति है उनमें सबको बुरे ही दिखाई देते हैं। बिना विवेक वसु व्यय किए शोभा को न पाए, फूंकी बंसूरी रस न जो अंगूरी बिना लगाए। इसमें कवि कहते हैं कि खूब धन खर्च कर देने से समाज में किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता है। धन को जब विवेकपूर्ण ढंग से खर्च किया जाता है तभी उसकी शोभा होती है। जैसे बांसुरी को फूंकने मात्र से उससे जो स्वर निकलता है, सुनने वाले को स्वर से कोई आनंद नहीं मिलता है, लेकिन किंतु जब बांसुरी के चित्रों पर अंगुलियां लगाकर मधुस्वर निकला जाता है तभी उसे लोगों को आनंद मिलता है। यानी बिना विवेक से धन को खर्च करेंगे तो उसमें कोई शोभा नहीं होगी। जिस तरह बांसुरी पर उंगली रखे बिना हम उसमें उस आवाज़ का आनंद नहीं उठा पाएंगे। थैंक यू।